हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएसटी ई क्लासेस वंस अगेन आई एम मिसेस सरिता योर एसएसटी टीचर स्टूडेंट्स होप यू आर फिट एंड फाइन टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन सिविक्स दैट इज़ जुडिशरी सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस आज एट द एंड ऑफ द वीडियो थ्रू कमेंट बॉक्स लेट्स स्टार्ट टॉपिक्स वी हैव स्टडीड बच्चों अब तक हमने पढ़ा फर्स्ट व्हाट इज़ जुडिशरी जुडिशरी या न्यायपालिका क्या है सेकेंड वाई डू वी नीड ए जुडिशरी हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है थर्ड वट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी हमारी न्यायपालिका क्या भूमिका निभाती है हम इसको जुडिशरी के फंक्शन या कार्य भी कह सकते हैं ये पढ़ा फोर्थ वट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी होती है फिफ्थ वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ़ कोर्ट्स इन इंडिया हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना या बनावट क्या है वह कैसे वर्क करती है ये सब पढ़ा टुडे वी विल स्टडी फर्स्ट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम हमारे लीगल सिस्टम की फर्दर कितनी ब्रांचेज हैं सेकेंड डज एवरी वन एक्सेस टू द कोर्ट्स क्या प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कोर्ट तक पहुँच सकता है थर्ड सुप्रीम कोर्ट डिवाइज पीआईएल टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस पीआईएल आई एल क्या है ये आम जनता के लिए कैसे हेल्पफुल है फोर्थ ओल्गा टेलीज वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन ये केस स्टडी पढ़ेंगे फिफ्थ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड देर से मिला हुआ न्याय कैसे अन्याय बन जाता है ये पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन कम टू पेज नंबर 60 here योर फर्स्ट टॉपिक इज what आर द डिफरेंट branches ऑफ द legal सिस्टम स्टूडेंट्स आगे लीगल सिस्टम को स्मूथली रन कराने के लिए टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ आइए इनको वन बाय वन करके समझते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है फर्स्ट क्रिमिनल लॉ को समझते हैं क्या है ये क्रिमिनल लॉ किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार या बिहेवियर या कार्य जिसे हमारे लॉ में पहले ही अपराध या ऑफेंस डिफाइन किया गया है फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट चोरी हैरसिंग ए वीमेन टू ब्रिंग मोर डोरी किसी महिला को और ज़्यादा दहेज लाने के लिए उस पर अत्याचार करना या फिर मर्डर हत्या के केस ये सब क्रिमिनल लॉ में इंक्लूड किए गए हैं इस तरह के केसेस की सुनवाई एफ आई आर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड कराने के बाद स्टार्ट होती है जिसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कोर्ट में एविडेंस के आधार पर सुनवाई होती है इफ़ फाउंड गिल्टी यदि दोषी पाया जाता है तो अपराधी को तुरंत जेल भेज दिया जाता है और कई बार फाइन भी लिया जाता है सेकंड है सिविल लॉ इसको समझते हैं सिविल लॉ में किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन या प्रॉपर्टी बेचने को लेकर डिस्प्यूट किराएदार या मकान मालिक टीनेंट एंड लैंड मैटर्स एंड डाइवोर्स केसेस या तलाक़ के केसेस सिविल लॉ में इंक्लूड किए जाते हैं इसमें एफेक्टेड पार्टी की तरफ से कोर्ट में केस फाइल किया जाता है रेंट मैटर में लैंडलॉर्ड या टीनेंट दोनों में से कोई भी केस या मुकदमा कोर्ट में डाल सकते हैं इस तरह के केसेस में कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट अपना जजमेंट देती है फॉर एग्ज़ाम्पल टीन केस में कोर्ट फ्लैट खाली करने के लिए या पेंडिंग रेंट बचा हुआ या रुका हुआ किराया पे करने के ऑर्डर दे सकती है क्लियर नाउ कम टू पेज नंबर सिक्सटी वन योर सेकेंड टॉपिक इज डज एवरी वन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स क्या प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच सकता है स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम सिचुएशन की दोनों साइड्स पर बात करेंगे फर्स्ट साइड या एक पक्ष बच्चों जैसा कि आपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा है सभी को कोर्ट में जाने की आज़ादी है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों को उससे छीना जा रहा है देन वन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस एंड जस्टिस टू बी डन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय मिलेगा ये तो हुई फर्स्ट सिचुएशन अब सेकेंड साइड देखते हैं बट स्टूडेंट्स इन रियलिटी कोर्ट तक अपनी पहुँच बना पाना कुछ लोगों के लिए हमेशा डिफिकल्ट रहा है बिकॉज इन इंडिया अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इज पुअर इंडिया के ज़्यादातर लोग गरीब हैं दीज पुअर पीपल कैन नाट रीड एंड राइट एंड ऑफन हैव जुकेशन हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेजेस रोज़ मजदूरी करके कमाते हैं और खाते हैं जबकि लीगल प्रोसीजर्स कानूनी कार्रवाई में बहुत सारा टाइम एंड मनी कंज्यूम होता है इसलिए द आइडिया ऑफ गोइंग कोर्ट इन लोगों को किताबी बातें लगती हैं तो आपने फील किया बच्चों रियल सिचुएशन क्या है और ऐसे में रिच पर्सन अपने पैसे का प्रभाव दिखाकर बच निकलता है थर्ड टॉपिक इज़ सुप्रीम कोर्ट डिवाइज पी आई एल टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस बच्चों बहुत ध्यान से समझिए इन सब बातों को देखते और समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटीन के अर्ली पीरियड में पी आई एल इंट्रोड्यूस कराया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके क्या है ये पी आई एल क्या होता है इसमें आइए इसको डिटेल में समझते हैं पी की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसमें लीगल प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया पहले बच्चों क्या होता था कि जिस व्यक्ति को भी प्रॉब्लम है जिसे कोर्ट से जस्टिस चाहिए तो उसे ही कोर्ट तक अप्रोच करनी होती थी इट मीन्स वह खुद ही केस फाइल करे भाग दौड़ करे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए ऐसे में पुअर पर्सन जो अपनी डेली वेजेस या रोज की कमाई पर डिपेंड है वो कहाँ से लीगल प्रोसीजर में इतना पैसा लगाएगा और अगर कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा तो वे अपने काम पर कब जाएगा अपनी फैमिली का खर्चा कैसे उठाएगा एट्सेट्रा इस तरह के बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन थे लेकिन अब पी के आ जाने से प्रोसीज़र बहुत सिंपल हो गया अब कोई थर्ड पर्सन भी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ग्रुप या कोई अननोन पर्सन कोई भी हो सकता है जो भी इन लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ना चाहता है वो सीधे बच्चों पे अटेंशन डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकता है मींस एप्लीकेशन डाल सकता है केस फाइल कर सकता है यहाँ तक कि अगर उस थर्ड पर्सन के पास भी टाइम की शॉर्टेज है तो सिंपल एक लेटर या टेलीग्राम करके भी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकता है बच्चों यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं आपको कि जो ये मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जाता है इसकी शुरुआत भी पीआईएल के कारण ही हुई थी पूरी इंसिडेंट देखते हैं क्या हुआ था फॉर दिस कम टू पेज नंबर सिक्सटी एंड सी द फोर पिक्चर्स ऑन इट देखिए इसमें दिखाया गया है कि 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में ड्रॉट मीन्स अकाल पड़ा था जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली जबकि गवर्नमेंट के अनाज गोदामों में ग्रेन्स ओवरफ्लो हो रहे थे और उन्हें रेड खा रहे थे तभी एक ऑर्गेनाइजेशन पी यू सी एल फुल फॉर्म पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में उन अफेक्टेड लोगों की बिहाफ पर पी आई एल फाइल कर दी और कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ट्वेंटी वन में हमें राइट टू लाइफ दिया गया है उसमें राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है और कहा कि गवर्नमेंट के एक्सक्यूज रॉन्ग हैं कि उनके पास सफिशेंट फंड नहीं है उनके गोडाउंस ओवरफ्लो हो रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है दैट द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वह अपने राज्य में सबको फूड प्रोवाइड कराए देयर फोर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइजेज थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप्स और बच्चों को स्कूल्स में मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जाए इसके लिए टू तो फूड कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए गए जो इन सबकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे योर नेक्स्ट टॉपिक द जजमेंट ऑफ द ओलगा तेलीज वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग जजमेंट की स्टडी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ मीन्स जीवन जीने का अधिकार में राइट टू लिवलीहुड मीन्स आजीविका या भरण पोषण जिससे एक पर्सन अपना खर्चा उठाएगा ये टर्म ऐड कर दी गई बच्चों ध्यान से सुनिए इसमें क्या होता है कि ओल्गा टेलीज़ जो झोपड़पट्टी स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं वो बॉम्बे में प्रेजेंट नेम मुंबई में सड़क पर फुटपाथ पर रहते थे और वहीं सड़क पर छोटे छोटे सामान बेचते थे वहीं उनकी लाइवलीहुड या आजीविका का साधन था जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हो बॉम्बे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन को कंटिन्यूसली कंप्लेन मिल रही थी कि इन लोगों को फुटपाथ से हटाया जाए इस पर कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि राइट टू लाइफ जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है इससे कहीं ज़्यादा है कोर्ट कहती है कि जीवन तो जानवर भी जीते हैं केवल जिंदा रहना राइट टू तो लाइफ नहीं है अगर ओलगा तेलीज से उनकी लाइवलीहुड छीन ली जाएगी तो वो जीते जी मर जाएंगे बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग दैट इज लाइवलीहुड इसलिए कोर्ट ओलगा तेलीज को पेवमेंट या फुटपाथ को खाली कराने का आदेश नहीं देती नाउ कम टू पेज नंबर सिक्सटी थ्री योर नेक्स्ट टॉपिक इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड स्टूडेंट्स इस फ्रेज का मीनिंग है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है बच्चों आपने अपने आसपास कितने ही केसेस देखे होंगे जिसमें केस टेन ट्वेंटी थर्टी ईयर्स या इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चलते रहते हैं और कोर्ट से फर्दर डेट्स ही डेट्स मिलती रहती हैं इससे टाइम एंड मनी इतना वेस्ट होता है कि कॉमन मैन कोर्ट जाने से डरता है और अन्याय बर्दाश्त करता रहता है फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डेमोक्रेटिक इंडिया में जुडिशरी क्रूशियल रोल प्ले करता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की पार्स को कंट्रोल करता है सिटीजेंस के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वी आर हाईली ग्रेटफुल टू आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि उन्होंने इंडिया में कोर्ट्स का इतना अच्छा सिस्टम स्टैब्लिश किया और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था करके एक मजबूत लोकतंत्र दैट इज डेमोक्रेसी की स्थापना की नाउ स्टूडेंट्स इट्स द टाइम टू चेक योर नॉलेज आंसर द आस्क क्वेश्चन इन वन वर्ड इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट अटीनेंट हु इज बींग फोर्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड नेम द ब्रांच ऑफ लीगल सिस्टम इन दिस केस की किराएदार जिसे मकान से निकालने को मजबूर किया जा रहा है वह मकान मालिक के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर देता है इस केस में लीगल सिस्टम की ब्रांच का नाम बताइए सेकेंड पी आई एल कैन बी फाइल्ड बाई एनी थर्ड पर्सन और पार्टी एकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन दिस शुड बी अलाउड और नॉट कि अब पी आई एल कोई थर्ड पर्सन भी फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू किसी भी व्यक्ति को ये पार मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए थर्ड हु इज़ द प्रजेंट चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया हमारे देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं यस स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने जुडिशरी उसके रोल पावर्स फंक्शंस स्ट्रक्चर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम पढ़े और पढ़ा कि कैसे एवरी वन हैव एक्सेस टू द कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एट्सेट्रा ये सब टॉपिक्स पढ़े नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर होप यू हैव वॉज्ड इट वेरी केयरफुली एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर थैंक यू